पहली चीज़, इस क्वेश्चन के अंदर वेव फ्रंट के ऊपर न्यूमेरिकल है, शायद समझ में आ भी रहा होगा आपको। इस फिगर को देखते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हाइगन प्रिंसिपल है। इस टाइप के डायग्राम में मैं क्वेश्चन भी पढ़ना पसंद नहीं करता, दो ट्राइंगल के साइन थीटा लेने होते हैं। जैसे हाइगन प्रिंसिपल का रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, इसमें साइन थीटा क्या है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, और साइन फाई क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई ए डी। तो डिवाइड कर दो, ए डी ए डी कैंसल, तो क्या आ गया, बी डी बाई ए सी, और यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीटा है वो स्मॉल डी के साथ कैसे रिलेटेड है। बीटा इज लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा डी, तो हाइपरबोला बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास दो कोहरेंट सोर्सेज हैं, एक वेव का एम्पलीट्यूड ए वन है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ए टू है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ऐसा हमने किया हुआ है, इन्हें ऐड करेंगे साइन और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, पर हमें आंसर नहीं मन, क्यों, क्या निकालना है, इंटेंसिटी, और मैंने क्या निकाला, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां से उसको स्क्वायर करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। के अंदर ये इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्यों, क्योंकि एक वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एल वन, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन, अब वैक्यूम में तो कर नहीं रही, और एल टू डिस्टेंस कवर कर रही है इन एन टू, आपको क्या निकालना है, उनका फेज डिफरेंस क्या है। प्रॉब्लम है कि एक अलग मीडियम में ट्रेवल कर रही है और दूसरी अलग मीडियम में कर रही है, पहले दोनों को वैक्यूम में ले आओ। वैक्यूम में लाने का तरीका क्या है, ऑप्टिकल पाथ। तो पाथ डिफरेंस क्या है, पहले मीडियम में एन वन एल वन, दूसरे मीडियम में क्या है, एन टू एल टू, दोनों को माइनस कर लें, क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। कोई डाउट इसमें, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई, और हमें क्या पूछा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, टू पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास है, इसको टू पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, फेज डिफरेंस ऑप्शन मार्क कर लेना। तो ऑप्टिकल पाथ की एप्लीकेशन समझ में आई, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में काम मत करना फेज और उसका पाथ का, हमेशा पहले ऑप्टिकल पाथ निकालना। ठीक है, सी ऑप्शन एन टू, एन टू एल वन है ना, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सेटअप एज शोन, आपके पास एस सोर्स है, ओ कोई सेंट्रल पॉइंट है। देखो वैसे सेंट्रल पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा ही होता है, सेंट्रल पॉइंट पर मैक्सिमा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, एस सोर्स एस वन एस टू से इक्वी डिस्टेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो मुझे पता ही नहीं कि पाथ डिफरेंस क्या है पीछे, तो मैं बोल नहीं सकता कि ओ पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, सी, कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट इसमें। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में दो वेव्स हैं,
जब वो निकलती हैं तो उनका यानी कि कोहरेंट सोर्स है, उनका ओरिजिनल पाथ डिफरेंस जीरो है और कॉमन वेवलेंथ लैम्डा है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस होता क्या है, 2n-1 × λ/2, तो आंसर λ/2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो दिख नहीं रहा मुझे, ये मुझे दिख नहीं रहा, ये मुझे दिख नहीं रहा, तो मतलब डी दिख रहा है, डी ऑप्शन मार्क कर दो। λ/2 आ तो रहा है इसमें, मतलब 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, 9λ/2, 11λ/2, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता है, समझ में आ गया क्या किया? देखो आगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, ये क्या गिवन है? छोटा डी। लैम्डा भी गिवन है, जबकि दो दो लैम्डा गिवन है, यानी कि उस स्क्रीन के ऊपर हमने पहली वेवलेंथ को यूज किया, फिर दूसरी वेवलेंथ को यूज किया। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल फ्रिंज, मिनिमम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कम से कम डिस्टेंस क्या होगा?
ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट कैपिटल डी गिवन है, विल द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। वो कह रहे हैं पॉइंट नहीं शिफ्ट करूंगा, पॉइंट की वैल्यू विल रिमेन सेम। मतलब कि अगर ये आपके पास स्क्रीन है और ये पी पॉइंट की बात हो रही है सेंटर पॉइंट से, आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस पी पॉइंट पर पहले मैंने लैम्डा वेवलेंथ को यूज़ किया और यहाँ पर कुछ ब्राइटनेस बनी, मान लो एनथ ब्राइटनेस बन गई, पता नहीं क्या नंबर बना, बन गया। फिर मैंने लैम्डा को चेंज कर दिया, इसी पॉइंट पर बनी तो ब्राइटनेस, तो कई लोग बोलते हैं कि कंजेक्टिव ब्राइटनेस बननी चाहिए। मैंने कहा क्यों, उन्हें बोला डिस्टेंस क्या है मिनिमम, तो लीस्ट का केस है, तो अगर nth ब्राइटनेस बनी हुई है तो उसी पॉइंट पर लैम्डा चेंज करने से n प्लस वनth ब्राइटनेस बन गई। n माइनस वन क्यों नहीं यूज किया, n प्लस वन क्यों यूज किया, नहीं n कंजेक्टिव तो n प्लस वन भी है, कंजेक्टिव n माइनस वन भी है, तो अगर nth ब्राइटनेस लेती हो तो डिस्टेंस x क्या बनेगा, n लैम्डा d बाई डी, और अगर उसी पॉइंट पर x रिमेनिंग द सेम, और अगला केस लेती हो तो n की जगह n प्लस वन लैम्डा डैश डी बाई डी इक्वेट कर दी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम कर दी, क्योंकि वेवलेंथ घट गई, और वेवलेंथ घटने की वजह से ये फैक्टर बढ़ गया ताकि प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। अगर कहीं वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाती तो फिर मैं n प्लस वन की जगह n माइनस वन यूज करता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो x की वैल्यू सेम कर दी, कंजेक्टिव केस ले लिया, n निकाल दिया, n को यहां पुट करके जो भी x है x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट S1 एंड S2 दो स्लिट्स हैं, C सेंटर है और S1 C S2 का डिस्टेंस पता है थीटा, ठीक है, तो इस डिस्टेंस क्या पता है थीटा। वो कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ होती क्या है बीटा, बीटा क्या होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, ये निकालना है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, छोटा डी है तो आधा डी बाई टू डी बाई टू है, ये बड़ा डी है तो थीटा बाई टू है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा क्या है, टेन ऑफ थीटा बाई टू इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई टू डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में एंगल छोटे होते हैं तो टेन ऑफ थीटा बाई टू कैन बी रिटर्न एज थीटा बाई टू, टू से टू क्या हो गया कैंसल थीटा आ गया, तो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी की रेशियो आ गई। बीटा क्या होता है लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, छोटे डी बाई बड़ा डी की रेशियो कितनी है थीटा, आंसर लैम्डा बाई थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पहले आपने एंगल लिया टेन थीटा बाई टू और एंगल छोटा होने की वजह से थीटा बाई टू, यहां से आपके पास थीटा आ गया और फिर यहां से डी बाई डी की रेशियो निकाल ली आंसर। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका क्वेश्चन का, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर टू स्लिट्स एक्स एज अ कोहेरेंट सोर्स और एम्पलीट्यूड ए और वेवलेंथ लैम्डा है। इन अदर एक्सपेरिमेंट विद सेम सेटअप द टू स्लिट्स आर सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा,
बट आर इनकोहरेंट। अब एक काम करो, इनकोहरेंट की कहानी सुन लो। इनकोहरेंट तुमने किया ही नहीं, हमने तो ये अज्यूम किया कि हमारे सोर्स क्या है, कोहरेंट। आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ ये फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोहरेंट सोर्सेज हैं, कोहरेंट सोर्सेज में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज आई वन प्लस आई टू टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये तो बात हो गई खत्म। अगर इंटेंसिटी बराबर नहीं आई वन आई टू है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर आपका सोर्स इन कोहरेंट है, अब इन कोहरेंट सोर्स की एक प्रॉब्लम है, आपने दो सोर्स लिए, दोनों में से वेव निकली एम्पलीट्यूड ए एंड ए। अब निकलते ही कोहरेंट क्या कहता है, एक ने क्रेस्ट निकाला दूसरे ने भी क्रेस्ट निकाला, तो निकलते ही उनका फेज डिफरेंस इनिशियल जीरो होता है। एक ऐसी वेव्स है, कोहरेंट में गारंटी नहीं है, अगर एक ने क्रेस्ट निकाला तो उस टाइम दूसरा ट्रफ निकाल सकता है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई 180। या हो सकता है एक क्रेस्ट और दूसरा भी क्रेस्ट निकाले तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। हो सकता है फेज डिफरेंस दो वेव निकलते ही 30 डिग्री प्रोड्यूस करें, क्या पता 45 करें, क्या पता 90 करें, क्या पता 120 करें, 150 करें, 180 करें, 270, पता नहीं क्या करें, पर रहेगा तो जीरो और टू पाई के बीच में, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी होगा जीरो टू पाई के बीच में, और जीरो टू पाई के बीच में कॉस फाई की वैल्यू जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई वन प्लस आई टू प्लस टू इंटू रूट ऑफ आई वन एंड आई टू कॉस फाई, जीरो टू पाई के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो टू पाई के बीच में क्रेस्ट और ट्रफ सारी वैल्यू अपने आपको कैंसिल कर सकता है। तो इसमें जैसे एसी के अंदर जीरो से कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू से जीरो ली जाती है। देखो फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, फाई कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जीरो और 360 की बात कर रहा हूं तो आधी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी आधी नेगेटिव आएंगी, तो ओवरऑल इसका एवरेज क्या आता है, जीरो रहता है। अच्छा आप इमेजिन करो, अच्छा हद से हद क्या हो सकता है, चलो ऐसे कर लो, आप टू पाई को भी छोड़ो, एक क्रेस्ट है, शुरू करते हैं, एक क्रेस्ट क्रेस्ट से शुरू हुई थी, फाई क्या है, जीरो। फिर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ठीक तरह मैच नहीं हुई, मैच नहीं हुई, मैच नहीं हुई, और हो सकता है एंड में वर्स्ट केस क्या होगा, ट्रफ आ गया, ट्रफ आ गया। तो चलो जब ट्रफ आया तो दे विल कैंसिल ईच अदर, जब क्रेस्ट आया तो वो ऐड हो गए, ऐसा ही है। तो आप ये लगाओ कि अगर एक क्रेस्ट और ट्रफ की आप कैलकुलेशंस करो तो आधी वैल्यूज इसमें पॉजिटिव आएंगी और आधी नेगेटिव, क्योंकि कुछ भी होता है ना, ऊपर और नीचे, जितनी ऊपर वैल्यूज हैं उतनी नीचे वैल्यूज हैं, ये सब कैंसिल भी हो सकती हैं। तो एवरेज आउट करके इसको हम जीरो मान लेते हैं, और जब हम जीरो मानते हैं तो इन कोहरेंट सोर्स की जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो बुक्स में सिर्फ यही यूज किया जाता है बस। तो ये रहा फॉर्मूला इन कोहरेंट का, कोहरेंट का ये फॉर्मूला है, इन कोहरेंट का ये फॉर्मूला है। आपको न्यूमेरिकल आएगा कि अगर मान लो एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई वन है तो I1 है या I0 है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी भी I0 है, तीसरी वेव की इंटेंसिटी भी I0 है, वो कहती दो सोर्स हैं मेरे पास तो n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। तो ऐसे करते 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 n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और सबकी वेव इकट्ठी मिल रही है और सुपर इम्पोज हो रही है और सब इनकोहरेंट हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो I0 प्लस I0 प्लस I0 प्लस I0 प्लस I0 n टाइम्स कर देना आंसर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव मार्क करना है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या आगे बने, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें ये गिवन है कि एक का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का ए है, ठीक। ये देखो क्वेश्चन ये गिवन है, ए और ए एम्पलीट्यूड है, अगर सोर्सेज कोहरेंट हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेंट्रल पॉइंट पर 4a स्क्वायर है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था वो क्या था, कॉस स्क्वायर 5/2। सेंटर पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन का मतलब सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर फाई क्या हुआ करता है, जीरो। सेंटर पॉइंट पे फेज डिफरेंस जीरो है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 4I0, और 4 इंटू इंटेंसिटी अगर I0 है और एम्पलीट्यूड A है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 4A2। चेक कर रहे हो सीधा 4A2, तो सेंटर पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 4A2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, 4A2।
कोई डाउट इसमें? तब जब सोर्सेज क्या है, कोहरेंट है। अगर इनकोहरेंट है तो आई वन प्लस आई टू फॉर्मूला था, आई वन ए स्क्वायर है, आई टू भी ए स्क्वायर है, तो टू ए स्क्वायर डिवाइड करके आंसर आ गया इंटरेस्ट का। तो ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं है आई वन प्लस आई टू वाला। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पर कि क्या इसमें कैसे यूज करना है इसे? नेक्स्ट, क्वेश्चन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज पाई बाई टू। तो फाई की वैल्यू पाई बाई टू बाई इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम स्लिट्स इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट। ध्यान से, वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर आई नॉट होती है। उसने क्या बोला? मैं बोला ना यार, गड़बड़ करता है ना। तो मैक्सिमम फोर आई नॉट की जगह आई नॉट लगा देना और फाई की जगह पाई बाई टू पुट कर देना, आंसर निकाल देना। रट्टा मार के जाओगे फोर आई नॉट तो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। याद तो यही करके जाओगे फोर आई नॉट, पर पढ़ लेना, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है तो फोर आई नॉट की जगह आई नॉट रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, वाइट लाइट इज यूज्ड एस वन एस टू वाइट। तो इसमें कंफ्यूजन ना करना, वो कई बहुत जगह वाइट लाइट यूज़ करता है, वर्ड वाइट लाइट यूज़ करता है। मैं वाइट लाइट से वाइट एसी कर रहा हूँ, और जबकि सिंपल प्लेन लाइट वाइट लाइट से इंटरफेरेंस होती नहीं, कह रहे तो मान लेना होती है, इसकी होती होगी। ठीक है, कौन सी वाइट लाइट मुझे नहीं पता। लेजर लाइट होती है वाइट कलर की? नहीं होती, मोनोक्रोमेटिक होती है वो, तो सिंगल सात रंग में से एक होती है, रेड ब्लू कैसी भी होएगी, पर वाइट नहीं होती। होती है, इसकी होती है इंटर, शुरू करो। तो इसके अंदर वाइट लाइट है, इंटरफेरेंस वो यूज़ कर रहे हैं एस वन एस टू, और इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही है? पी पॉइंट पे हो रही है। और ये पी पॉइंट खास बात है, दोनों स्लिट के एक, दोनों में से एक स्लिट के बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी, और ये डिस्टेंस है बी। अब एक और कन्फ्यूजन है, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डी। वो कहते हैं जी मेरा स्मॉल डी नहीं, मेरा तो बी है। और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा डी। वो कहता है बड़ा डी है, मेरा छोटा डी है। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। तो एक तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया और ये कर दिया, और ऊपर से सेंटर पॉइंट दिया नहीं, तो जो सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहीं पर, यहाँ पे कहीं पर सेंटर पॉइंट होगा। सारे डिस्टेंसेज कहाँ से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट है, और सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है कितनी? बी बाई टू। ये बी है तो ये कितना हो जाएगा? बी बाई टू। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब होता है मिनिमा। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब होता है यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मिनिमा। तो कह रहा है फिर बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं,
इसमें हम ना पाथ डिफरेंस निकालते हैं पहले, देखो कैसे, एक लंबा तरीका और एक छोटा तरीका, आने दोनों चाहिए। लंबा तरीका ये बी गिवन है, बी गिवन है, यहाँ पे इंटरफेरेंस है, पाइथागोरस लगा ली, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, इस वे में से इसे माइनस करो तो पाथ डिफरेंस आ गया अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी। ये रहा पाथ डिफरेंस, डेरिवेशन याद है, पाथ डिफरेंस में बाइनोमियल लगा करती थी, छोटे डी को बाहर निकाल लो, डी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो ये वन हो गया, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, और फिर बाइनोमियल लगा लो, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करके बाइनोमियल ओपन करो, पाथ डिफरेंस आ गया बी स्क्वायर बाय टू डी। तो पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका समझ में आया, जैसे डेरिवेशन की थी बिल्कुल वैसे, ये पहला तरीका है, एक छोटा तरीका है जो कि एक सेकंड में आंसर देगा आपको, और वही लगाना, ये मत लगाना, बताओ क्या। एक तरीका और है, मैंने बताया हुआ है, और मैंने कहा था वो फॉर्मूला संभाल के रखना, वो बहुत जगह काम आएगा। एक ऐसा फॉर्मूला था, दो बार बोला था, संभाल के रखना। एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस यहां पे निकल सकता है, कैसे, ये सेंटर पॉइंट है और अगर ये एक्स है तो पी पॉइंट का पाथ डिफरेंस संभाल के रखना मैंने बोला था, क्योंकि फिर संभाल के इसलिए रखना क्योंकि आपको बाइनोमियल नहीं लगानी पड़ती, जब आपने डेरिवेशन की थी ना वाईडीएससी की, पूरी बाइनोमियल के बाद माइनस करने के बाद पाथ डिफरेंस के बाद वो रिजल्ट आया था, कितना आया था, एक्स डी बाई टी, बाइनोमियल लगाने के बाद चेक कर लो, शीट के अंदर भी लिखा हुआ है। तो फिर हम बाइनोमियल क्यों लगा रहे हैं, हम इसी में वैल्यू पुट करते हैं, बोलो x की जगह क्या पुट करेंगे, x किसके इक्वल है, b बाय टू, तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, b बाय टू। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d का मतलब स्लिट का डिस्टेंस, तो स्लिट का डिस्टेंस कितना है, b, और कैपिटल d का मतलब क्या है, स्मॉल d, चेक कर लो, आपके पास यही फॉर्मूला एक सेकंड में आ गया, क्या जरूरत पड़ी है बाइनोमियल लगाने की, यही लगा लो ना, मुझे बहुत पसंद आई ये फॉर्मूला, बहुत स्टेप बचाता है। तो पार्ट डिफरेंस क्लियर है, एक्स छोटा डी बाय बड़ा डी, पर ध्यान से छोटा डी बड़ा डी उसने चेंज किया, तो छोटा डी बड़ा डी चेंज करके ये पार्ट डिफरेंस आ गया। और उसने क्या कहा, पी पॉइंट पर मिसिंग वेवलेंथ हैं, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये पार्ट डिफरेंस क्या होगा, टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैमडा निकाल लो, अब शुरू हो जाओ, एन वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, लैम्डा निकालते जाओ, ऑप्शन मार्क कर लेना, हिट एंड ट्रायल आ गए, तो कुछ करना ही नहीं है, वन टू थ्री फुट पुट आता आ गया, एक दो तीन पुट करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, ठीक। लो फिर अगला क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है। S1 S2 दो सोर्सेज हैं, P पॉइंट है, तो वो कह रहा है कि इसमें लैम्डा भी गिवन है,
पी इज द 11th ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड एज मेजर्ड फ्रॉम क्यू. तो इसका नंबर 11th ब्राइट फ्रिंज का है. और क्यू का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट. तो क्यू का मतलब है पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट. तो आपको ये 11th नंबर यहां से नहीं गिवन, 11वां नंबर क्यू से गिवन है. और जबकि हम नंबरिंग कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर. तो सेंटर से अगर ये नंबरिंग ली जाए तो 11वीं नहीं आएगी, क्या आएगी? 10th आएगी, 10th ब्राइट आएगी. ठीक है यहां तक? क्योंकि क्यू पॉइंट से 11th है तो सेंटर से ये कम कर दो, कितनी आ गई? 10th आ गई. आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है. अब आपको ये पता लग गया कि ये 10th ब्राइट है. और आपको ये भी पता लग गया कि यहां और यहां में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये क्या है? पाथ डिफरेंस. और आपको यही तो निकालना है S1 भी. तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इस वेव ने इस वेव से इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, तो S1 भी एक्चुअल में दोनों वेव्स का क्या है? पाथ डिफरेंस. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस का पॉइंट है, पाथ डिफरेंस क्या होता है? एन लैम्डा. और हमें पता है ये एन की वैल्यू यहां पर कितनी है? 10. तो क्या आएगा? 10 लैम्डा. 10 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, पार्ट डिफरेंस आ गया आंसर. मार्क कर लो, लैम्डा तो पता ही है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? 10 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, आंसर आएगा इसमें ए. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, ये हमने किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो था वो प्रूव करने वाला सेम है. 14th, तो क्या क्वेश्चन है कि दो y1 y2 की वैल्यूज हैं, एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालनी है. देखो साइन का जो कोफिशियंट है वही क्या है इसका? एम्पलीट्यूड. 10 आ गया एक का, तो इसमें कैसे निकलेगा? 5 पूरे के साथ कॉमन है. सबसे पहला काम 5 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ. तो एसी वाला क्वेश्चन बन गया, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला. साइन का कोफिशियंट क्या है? 5. और कॉस का क्या है? 5√3. तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर. 10 आंसर. तो 1:1 आंसर है इसमें. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट.
क्या क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल कोहरेंट सोर्सेज प्लेस ऑन अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट सेपरेशन एक्स सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल सोर्सेज एमिट आइडेंटिकल वेवलेंथ लैम्डा ईच और ये कंडीशन गिवन है एक्स बहुत छोटा है आर से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल टू व्हाट। देखो ये क्वेश्चन पहली बार करने में तो बहुत ट्रिकी है, ये आप इस तरीके से होगा नहीं, आप इस प्रॉब्लम को ऐसे देखें। क्वेश्चन में ऐसे गिवन है देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है, वो कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल का जो एक डायमीटर है ये एक डायमीटर है, इस डायमीटर के ऊपर ये सेंटर है और दो सोर्स हैं S1 एंड S2। दो सोर्सेस कितने डिस्टेंस में हैं, दो सोर्सेस x डिस्टेंस में हैं और आपको क्वेश्चन में x गिवन हुई है 5 लैम्डा, x बहुत छोटा है ये भी क्वेश्चन में गिवन है, x छोटा है। तो आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है ये री, तो P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है यहाँ तक, तो P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रही है। वो कह रहा है कि इंटरफेरेंस यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लाइट यहाँ भी पूरे सर्कल पर इंटरफेरेंस हो रही है, मैक्सिमा के कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं काउंट करके बताओ, 15, 20, 30, 40, 50 कितने। तो मुझे ये बताओ कि P पॉइंट पर अगर इंटरफेरेंस हो रही है, इस क्वेश्चन करने का ये स्टाइल है, आप सेंटर से इसे ज्वाइन कर दें और इमेजिन करें ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी है थीटा, आपको ये क्या कैसा मैथ है, ये कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थोड़ी ना, तो लाइन पैरेलल है तब है, पर मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है, एक्स दिख रहा है बड़ा है बहुत छोटा, तो इतना छोटा है कि P से उसकी दूरी ऑलमोस्ट बराबर है, तो अप्रोक्सीमेटली एंगल थीटा लिया है, इक्वल टू थीटा नहीं हो सकता, सही है। इस वेव ने इस वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, कितना ज्यादा कवर करना है, इसके लिए एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लें ऐसे, ये परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर अगर मान लो ये एक्स है ये थीटा है तो ये टर्म क्या जाएगी, एक्स कॉस थीटा, चेक कर लो एक्स कॉस थीटा, क्लियर है यहां तक। अब ये x cos थीटा क्या आ गया, इसका पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, x cos थीटा, लेकिन क्योंकि मेरे को मैक्सिमा के पॉइंट ढूंढने हैं तो मैक्सिमा के पॉइंट में x cos थीटा क्या होना चाहिए, n lambda, x cos थीटा इज इक्वल टू n lambda। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5 lambda into cos थीटा इज इक्वल टू n lambda, आपको n की कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा के लिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, अगर ये मैक्स है तो ये भी मैक्स आएगा, तो यहां 1 पुट करते हुए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करते हुए n क्या आएगा, 5। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डायग्राम जो बनाया गया ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के लिए बनाया गया, तो पहले क्वाड्रेंट में 5 पॉइंट्स आएंगे, ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4, 5 × 4 = 20, आंसर 20 मार्क कर लेना, 20 नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है यहां तक, तारीफ है बनाने वाले की, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ऐसे चलेंगे। उट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वाई डी एस सी है, अब इतना ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना ही पोलराइजेशन हो रहा है,
देखो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज हैं, फिर से देखो S1 S2, और S1 S2 वेवलेंथ लैम्डा लाइट की, दो सोर्सेज आर सेपरेटेड बाय 2 लैम्डा, सोर्स सेपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा डी, छोटा डी पता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2, ध्यान आगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2, S1 S2 के परपेंडिकुलर लाइन तो यहीं जाएगी, और S2 में से अगर ये लाइन पास हो गई तो P पॉइंट यहां मिलेगा, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, एक स्लिट के ऑपोजिट एक पॉइंट है P, और वो कह रहा है ये डिस्टेंस निकालो क्या होगा, स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है यहां तक। तो ये क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 लैम्डा, एक्स आपको निकालना है, तो ये क्या आ गया पाइथागोरस से वैल्यू आ गई, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस, पाथ डिफरेंस, और क्योंकि वो जो पी पॉइंट है वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब ये कंडीशन किसकी लगेगी, मिनिमा, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मिनिमा, और आपको एक्स निकालना है, तो आप इस क्वेश्चन में पहले एन को 1 पुट कर दें, इसे सॉल्व करके एक्स निकाल लें, फिर नहीं आंसर आया कोई बात नहीं, आप 2 पुट कर लें, फिर एक्स निकाल लें, फिर तो आ ही जाएगा ऐसे, और अगर ये नहीं करना चाहते तो ऊपर हिट एंड ट्रायल करें, एक्स को पहले लैम्डा बाई 2 एज्यूम कर लें, फिर इसी क्वेश्चन में पुट करके देखें, सेटिस्फाई हो रही है, इस पर सेटिस्फाई हो रही है तो यही आंसर, नहीं हो रही फिर नया ऑप्शन पकड़ लें, ऐसे कुछ कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, मैंने कोशिश की थी मैं शॉर्टकट लगाऊं लेकिन चला नहीं, मैं एक बार शॉर्टकट फिर से लगाना चाहता हूँ, होता दूसरे ऐसे कैलकुलेशन ना ठीक की हो, मेरा शॉर्टकट ये था कि मैं फिर से ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि अगर मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये आपका डिस्टेंस है एक्स डी बाई डी, ऐसा होता है ना पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू एक्स डी बाई डी याद की थी, एक्स का मतलब क्या होता था ये डिस्टेंस, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है लैम्डा, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे लैम्डा, ये डिस्टेंस लैम्डा है क्योंकि टोटल 2 लैम्डा और आधा डिस्टेंस लैम्डा, स्मॉल डी की जगह क्या पुट करेंगे 2 लैम्डा, कैपिटल डी की जगह क्या पुट करेंगे एक्स, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ट्राई कर रहा हूं मुझे पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, तो शॉर्टकट से पार्ट डिफरेंस आ गया, इंस्टेड की मैं इससे निकालूं, अब ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए 2n-1 × λ/2 के, तुम एन को 1 पुट करो एक्स निकाल लो, 2 पुट करो एक्स निकाल लो, जरा चेक करना 1 2 3 पुट करके किसी में एक्स आ रहा है, अगर आ रहा है फिर ये मेथड ले लेंगे, नहीं आ रहा फिर वो तो मेथड है ही है, चेक कर लो एन को 1 और 2 पुट करके एक्स निकाल के देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेथड अपनाना पड़ेगा, रहने दो कैसे चल लो क्या ही कर सकते नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को करना प्लीज,
बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, फिर वही वाइट लाइट है, फिर सेम ओल्ड स्टोरी कि वो वहाँ पे मिल रहा है और वहाँ पे, बस एक फ़र्क है, सेम स्टोरी है कि इस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस मिनिम है और इस पॉइंट पर अगर मिनिम है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ आपको ऑलरेडी, ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी आपको पता है कितनी, स्मॉल डी बाई टू। तो ये स्मॉल डी बाई टू इसका डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, क्योंकि पी पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है। अब मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई टू डी, ऐसे ही होता था, पर मैंने 2n+1 लगा दिया। क्यों क्यों? क्योंकि ऑप्शन के अंदर 2n+1 है, इसलिए। वैसे 2n-1 लेता हूं मैं, पर ऑड होना चाहिए, हार्डली मैटर्स। तो इसलिए ऑड के लिए 2n-1 या 2n+1 फर्क क्या पड़ता है, उसने ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2n+1 है, मैंने भी 2n+1 लगा दिया और बस ये डिस्टेंस को लिख दिया, यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ पूछो पूछो। डिफ्रैक्शन में होता है? हाँ नहीं, ऐसा है, ये फॉर्मूला तो हमने बनाया है, है ना, तो ऑड चाहिए था तो 2n-1 या 2n+1 दोनों वैलिड है। अगर 2n+1 लेते हैं तो एन की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं, और अगर 2n-1 है तो मेरी काउंटिंग एज इक्वल टू 1 से स्टार्ट की, ऐसा है। और वो इसलिए लेते हैं डिफ्रैक्शन में 2n+1 ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, कि पता लग जाता है एक इंटरफेरेंस है और एक डिफ्रैक्शन है, अदरवाइज कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, शीट नंबर नेक्स्ट 63 में जो बेसिक क्वेश्चंस है, आप होमवर्क लिखो, 1 होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3, 4 नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7 नहीं करना, 6, 7 पोलराइजेशन का मत करना, 8 कर सकते हो, 8 कर लेना, नहीं 8 मत करना, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट है, मत करना, 8 भी मत करना, 9th नहीं करना, डिफ्रैक्शन का है, आप 11th भी मत करना, 12th, 13 करना, और फिलहाल तो मुझे 14th करके दिखाओ, फिलहाल तो 14th क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें इसमें ना लैम्डा की वैल्यू
लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम नोट करो, 6000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर लैम्डा नोट करो, हेयर लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं मैंने वो बोला है, 14 बोला है, 13 नंबर क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका बताओ, ट्राई करो प्लीज। कैसे निकलता है फेज डिफरेंस एक्स, कैसे निकाला तुमने? आ गया, हाँ वो फॉर्मूला सबसे काम का है, एक्स डी बाई डी यूज होगा इसमें। आपको वो कैसे दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूं कैसे। देखो आपको इस क्वेश्चन में छोटा और बड़ा डी की रेशियो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, राइट। पी पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहे पी पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर जिस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट। तो आपको बताने कि P पॉइंट की दूरी क्या है सेंटर से। तो सबसे पहला पॉइंट, P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos² 5/2। उसने क्या बोला कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल स्लिट की इंटेंसिटी के इक्वल है, और इंडिविजुअल स्लिट की इंटेंसिटी कितनी है, I0 है। I0 कैंसल, कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा हाफ कब होता है, π/3, फाई की वैल्यू आ गई। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। ये उस पी पॉइंट का क्या आ गया, फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, दो तरीके, अपने मन में पाई को लैम्डा बाई टू पुट कर दो, सीधा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, लैम्डा बाई थ्री आ जाएगा। पाई का मतलब लैम्डा बाई टू होता है ना, टू से टू कैंसिल करके आंसर आएगा। या फिर फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पुट करके पाथ डिफरेंस आ गया। अब पाथ डिफरेंस आ गया, अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो मैंने आपको याद करवाई थी वो याद करो क्या थी, एक्स डी बाई टी, इक्वेट कर दो, इक्वेट करके डी बाई डी की रेशियो पता है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है। आंसर इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे मैंने फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकाला, और पाथ डिफरेंस में ये पाथ डिफरेंस की हेल्प से एक्स कैसे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस की हेल्प से एक्स निकालने का तरीका सबसे सही है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सिर्फ पार्ट डिफरेंस को एक्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। जैसे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, कह रहे कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमा हो सकता है फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन योर आईडीएसी एक्सपेरिमेंट। मतलब स्लिट सेपरेशन का मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 2λ। मैक्सिमा की कंडीशन बोलो, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये डी साइन थीटा बीच में कैसे आ गया भाई, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा कब से लग गया, एक्स पी बाई डी होता है, ये कहाँ से आया, मैंने करवाया मैंने डी साइन थीटा, कितनों को समझ में आ गया डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस, जबकि मैंने आज तक यूज नहीं किया, मैंने आज तक पार्ट डिफरेंस एक्स डी बाई डी ही यूज किया। मैंने आपको दो तरीके करवाए थे, जो YDSC का पार्ट डिफरेंस निकाला था मैंने कहा बाइनोमियल मत यूज करना, ये तरीका यूज करना, आपकी शीट के अंदर मेंशन भी है जिसमें आपको याद होगा दो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है, ऐसा डायग्राम था,
इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर था, याद करो ऐसा केस था, ये भी मैं ड्रॉ करो, इसके अंदर ये एंगल था डी और ये क्या था डी साइन थीटा, याद करो ऐसे प्रूव किया था ना, आपकी ऑल्टरनेटिव मेथड टू बताया था मैंने। तो पावर डिफरेंस यहाँ पर एक्स डी बाई डी की जगह डी साइन थीटा यूज़ किया, डी साइन थीटा पावर डिफरेंस एन लैम्डा, और आपको इस क्वेश्चन में डी की जगह टू लैम्डा पता है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहे हैं मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन चाहिए, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी टू। अब एन टू का मतलब क्या है, एन वन का मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, टू का मतलब सेकेंड मैक्सिमा, और यही कहाँ बनेगा, इस सेंटर के नीचे भी बनेगा, तो सेंटर पॉइंट भी मैक्सिमा का, कुल मिला के कितने मैक्सिमा, दो ऊपर दो नीचे और एक सेंटर का, तो कितने मैक्सिमा, पांच मैक्सिमा। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू अगर टू है तो वहाँ पर पांच मैक्सिमा बनने वाले हैं, दो ऊपर दो नीचे और एक सेंटर का। होमवर्क है, होमवर्क है, और ये क्वेश्चन अभी नहीं, ये मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा 17, अभी रुक जाओ। ठीक है।